आप डिजाइन ही टारगेट कर रहे हैं ना सब लोग, वैसा मैकेनिकल कुछ डिजाइन। नहीं है, जस्ट अभी उनको गाइडेंस चल रहा है कि कौन सा फील्ड कैसा है, इसके पे ओके डेवलपमेंट हुआ आज, डिजाइन के बारे में कैसा करियर स्टार्ट करना है क्या नहीं, कौन से सॉफ्टवेयर पे। सो मोर और हम क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा करेंगे तो मुझे भी आसान जाएगा, क्योंकि क्या हुआ है मैंने कभी ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं किया कि करियर ग्रोथ के लिए। तो आप मुझे अगर बोलते कि शीट मेटल, तो एक आधा इंडस्ट्री का फील्ड लेके, तो दैट मोर इजी फॉर मी, बट फिर भी आई ट्राई दैट वन। अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू स्टॉप मी एंड आस्क द क्वेश्चन। तो करियर स्टार्ट करने से पहले, अगर इवन दो इफ यार डिप्लोमा और डिग्री इतना कुछ फर्क नहीं होता है एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग और व्हेन यू टारगेट द फील्ड ऑफ डिजाइन, तो क्या होता है डिजाइन में जाने के लिए देयर आर कपल ऑफ मोर पॉइंट्स, लाइक आपका मशीन डिजाइन अच्छा होना चाहिए, आपका मीन्स आई एम जस्ट अभी मैं कॉलेज के रिलेटेड बोल रहा हूँ कि जो हमारे बुक्स है और सब्जेक्ट्स है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छा होना चाहिए, आपका ड्राफ्टिंग अच्छा होना चाहिए, और फोर्थ थिंग इज मैथमेटिक्स भी चाहिए। तो मैथमेटिक्स आई से लाइक 60-70% तो अच्छा चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहता है मैथ्स का, और थ्योरी ऑफ मशीन जैसे वो भी चाहिए अच्छा। तो डिजाइन एज अ फील्ड है कि जिसमें आपको मोर और टेक्निकल नॉलेज चाहिए अबाउट द मटेरियल जो भी इन्वायरमेंट में दिखता है। तो व्हाट आर द थिंग्स, अगर आप कुछ भी देखते हो तो उसके पीछे एक प्रॉपर्टीज है, तो फिजिक्स भी अच्छा चाहिए उसका। तो अगर आपके ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो अलॉन्ग विद दैट अगर आपका ये सब कुछ एक एवरेज लेवल पे है तो यू कैन टारगेट द डिजाइन फील्ड। डिजाइन फील्ड में क्या होता है, एक तो वैकेंसीज बहुत कम रहती है और कैंपस के लिए एक्सक्लूसिवली डिजाइन के लिए कोई नहीं जाता है कॉलेजेस में, तो कैंपस इंटरव्यू का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि उसके लिए टारगेट इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ेगा जिससे कैड या कैम का कुछ तो कैड का सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा आपको, एक बेसिकली जिसमें आता है क्रियो, केटिया, सॉलिड वर्क। तो अगर डिप्लोमा है, यहाँ पे थोड़ा स्प्लिट होता है डिप्लोमा और डिग्री में, अगर आप डिप्लोमा हो तो आप फॉर श्योर कटिया को मत जाओ, और मार्केट में अभी कटिया का कॉम्पिटिशन में डिप्लोमा वाले के लिए अच्छा सॉफ्टवेयर है क्रियो, क्योंकि छोटी इंडस्ट्रीज से लेके बड़ी इंडस्ट्रीज तक क्रियो रहता है। बट अगर आपने कटिया लिया, इफ यू आर अ डिप्लोमा एंड इफ यू चूज द कटिया एज अ 3D कैड, तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि कटिया क्या होता है कॉस्टली सॉफ्टवेयर है और वो बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो दे विल नॉट हायर द डिप्लोमा एट वेरी फ्रेशर लेवल। व्हेन आई से दैट दे डू नॉट हायर मीन्स वो फ्रेशर नहीं लेते डिप्लोमा, बट बाद में आपका एक एक्सपीरियंस होने के बाद लेते हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू मिलने के लिए बहुत मुश्किल रहता है। तो डिग्री है तो फॉर श्योर यू कैन गो फॉर कटिया, और डिप्लोमा है तो क्रियो इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर जिसका बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, और ये एक सॉफ्टवेयर आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए जिसका 100% इन एंड आउट आपको चाहिए आना चाहिए ड्राफ्टिंग और उसमें जो भी मॉड्यूल्स है। और सेकंड चीज क्या रहता है कि अगर आपके एक सॉफ्टवेयर आ गया तो क्लास लगा के, तो वहां पे कैंपस होगा, दे कैन पिक यू फ्रॉम द कैंपस, कहाँ से इंस्टीट्यूट से, तो दैट इज इजिएस्ट वे टू रीच टू द और गेट द ब्रेक थ्रू इन द। एक ऑप्शन वो है। सेकंड ऑप्शन तो ये होने के बाद आप क्या कर सकते हो कंसल्टेंसी में, देन वंस यू लर्न वन सॉफ्टवेयर तो कैड के सारे सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ जैसे गूगल शीट और माइक्रोसॉफ्ट शीट स्प्रेडशीट कितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस रहता है सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर में, एक दो कमांड इधर उधर रहता है और आइकॉन्स चेंज हो जाते हैं, बट ओवरऑल फंक्शन सेम रहता है। तो आपको बाकी के सॉफ्टवेयर का एटलीस्ट यूजर लेवल नॉलेज होना चाहिए। तो क्या होता है रेज्यूमे में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में तीन सॉफ्टवेयर चलते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन, उनको क्या लगता है कि चलो एक तो हैंड्स ऑन है एंड अगर कुछ होता है तो ही कैन रोल अराउंड द टीम कि यहाँ वहां जा सकता है बिकॉज ही नोज द यूजर लेवल इंटरफेसेस। तो फर्स्ट थिंग है कि आपको एक सॉफ्टवेयर 100% आना चाहिए कैड का। सेकंड चीज है आपको बाकी के सॉफ्टवेयर का एटलीस्ट यूजर लेवल नॉलेज होना चाहिए कि एक बार आपके इंस्टॉल वगैरह वगैरह आप देख सकते हो पायरेटेड और वो घर पे भी सीख सकते हो।
अदर इसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, जैसे शाम को टिकू के बुक्स आते हैं मार्केट में, तो वो भी लेके सीख सकते हो। बट आई सजेस्ट कि सॉफ्टवेयर लो, और आपको तो पता है कि ये ऑपरेशन क्रियो में ऐसे होता है और कटिया में ऐसे होता है, तो सॉलिड वर्क्स में हाउ इट्स गोइंग टू बी हैपन, तो ये इजी जाएगा। अभी ये हो गया क्या पार्ट। अभी आपको अगर आप डिप्लोमा हो या डिग्री हो, डिग्री वालों के लिए मस्ट है, डिप्लोमा वाले के लिए यूजर लेवल नॉलेज होना जरूरी है। सी ए मीन्स उसमें आता है एनसीस और हाइपरमेश वगैरह वगैरह, तो उसमें से एक सॉफ्टवेयर सीख सकते हो तो दैट इज द एड ऑन बेनिफिट। अगर आप कुछ डिजाइन करते हो तो आपको एक एड ऑन बेनिफिट रहेगा कि आपका डिजाइन वेरिफिकेशन आप खुद कर पाओगे एक बार, और ऐसा रिक्वायरमेंट भी रहता है मार्केट में कि डिजाइनर को उसका वेरिफिकेशन भी आना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने एक सिंपल ब्रैकेट बना दिया और उस पर सोच रहे हो कि 500 kg का लोड में हैंग करने वाला हूँ, तो आपको पता नहीं कि वेदर इट इज सस्टेन और नॉट। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है एनालिसिस का तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ इतना स्ट्रेसेस है बट दैट इज विद इन द लिमिट। तो एक मींस एनालिसिस वाला सॉफ्टवेयर एटलीस्ट यूजर लेवल पे चाहिए, नॉट इन द डीप। डीप में आएगा तो यू विल गेट द बूस्ट इन द करियर, बट एटलीस्ट जब ज्वाइन करते हो तो आपके रिज्यूमे में एक तो सॉफ्टवेयर रहना चाहिए एनालिसिस का। और इन सबसे ये सॉफ्टवेयर हो गया, एजुकेशन लेवल हो गया, और सबसे एक बेसिक चीज है यू नीड अ वेरी गुड इमेजिनेशन पावर। क्योंकि इंटरव्यूज में क्या करते हैं कि जनरली दे आस्क द क्वेश्चन कि आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो और बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन दे इजीली रियलाइज कि आपका इमेजिनेशन पावर कहाँ तक है। जैसे कि इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि करंट में जितने डिजाइन चलते हैं उतना आपको पता होना चाहिए फ्यूचर रिस्ट्रिक्ट क्या होने वाला है। जैसे फ्यूचरिस्टिक मीन्स लाइक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स आ रहा है मार्केट में स्लोली स्लोली, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए कि हाँ समथिंग इज कमिंग इन द मार्केट। तो आपको क्या रहेगा कि बैटरी के लिए स्टडी कर सकते हो। नाउ यू विल थिंक लाइक बैटरी इज द इलेक्ट्रिकल पोर्शन, सो व्हाट डू यू डू विद द मैकेनिकल, राइट? ऐसा नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरफेस हर एक फील्ड के साथ होता है। एंड व्हेन यू से आई एम डिजाइन इंजीनियर, तो आपको सब तरह का एक यूजर लेवल नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा अगर एक कंपोनेंट है उसको कुछ मैकेनिक्स देके अगर इसको मैं इलेक्ट्रिफाइड करूं या सिग्नल्स में कन्वर्ट करूं तो क्या हो सकता है। ऐसा एक नॉलेज रहेगा तो आपका मैकेनिकल शॉर्ट में होता है, क्योंकि नाउ डेज सब कुछ ऐसा पैकेज हो रहा है। तो आपको वो भी नॉलेज चाहिए कि करंट डिजाइन कौन से चल रहे हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ ऐसा बहुत सारा डिफ्यूचर आने वाला है, और आपको एक ये कब आसान जाएगा पढ़ने के लिए व्हाट इज द कमिंग इन द फ्यूचर। आपको थोड़ा पक्का भी जान लेना चाहिए कि हाउ इंजन ऑफसेट के कि क्या हुआ, कैसे डिजाइन इंजन डिकेड टू डिकेड चेंज होते रहे, और पेट्रोल इंजन में क्या क्या वेरियंट आ गए बाद में। और ऐसा एक नॉलेज लेवल चाहिए कि क्या डिजाइन था, क्या है और क्या होने वाला है। तो इसमें फिर अभी आपको फिर से एक स्प्लिट आएगा, अगर आपको थर्मल साइड में जाना है जैसे बॉयलर डिजाइन, अगर आपको मिल गया ब्रिक और पार्टी की मुझे बॉयलर होना है ऐसा, तो आपको थर्मल इंजीनियरिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर द अगर तो टारगेट ही नहीं कर सकते कभी जिंदगी में थर्मल इंजीनियरिंग की साइड पे, तो आप यूजर लेवल चाहिए कि जो हम अदरवाइज ऑटोमोबाइल में जाना है तो ऑटोमोबाइल का पूरा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। क्योंकि आपको पता नहीं कि व्हेन यू एंटर द कंपनी और द एंटर द ऑर्गेनाइजेशन आप कहाँ डालने वाले हैं, आपके पास क्लच भी आ सकता है, आपके पास एक छोटा सा कंपोनेंट आ जाएगा टेल लैंप आ जाएगा, बट इनोवेशन और उसका पूरा आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ इट गोज। अगर टेल लैंप है टेप इज नॉट जस्ट उसका कवर नहीं है, राइट, तो उसके अंदर एक लाइट है, एक लाइट के अंदर भी रिफ्लेक्ट रहते हैं ये वो, तो ये इसको बेसिकली सब समझ ऑफ द व्हीकल। तो आपको ये पूरा एक चाहिए, और तीन आपको क्या चाहिए इन द नेक्स्ट सॉरी नॉट द थिंग कि आपके कॉन्टेक्ट जैसे कॉन्टेक्ट रहते हैं तो बिल्ड योर कॉन्टेक्ट कि जैसे पहले से हर एक का रहता है, कजिन रहता है,
दूर का कजिन रहता है, पास वाला कजिन, बाजू वाले का फ्रेंड रहता है, फ्रेंड का फ्रेंड योर कॉन्टेक्ट, क्योंकि डिजाइन में जॉब चाहिए हल्का, क्योंकि क्या होता है डिजाइन का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम रहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इफ देयर आर द 500 पीपल की तो डिजाइन में 10 या 20 लोग रहते हैं बस। तो आपको कि ओ तो एवरीवन वांट्स व्हाइट कॉलर जॉब है मैं अगर शिफ्ट रहता है बट शिफ्ट नहीं रहता है एक परसेंट वो भी डिजाइन के लिए करने के लिए कॉन्टैक्ट रहेगा तो यू गेट दैट बिल्डिंग योर कॉन्टैक्ट ये कि करंट अफेयर जो भी चल रहा है कि इंटरनेट पे सर्च कर कहाँ पे क्या क्या डिजाइन है ठीक है। जैसे हम शेयर के लिए कि जैसे अभी कोविड का तो हाँ कौन सा इंडस्ट्री बूस्ट है कभी क्या होता है कि जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सडनली वही डाउन होने लगता है ऑटोमोबाइल और दूसरी इंडस्ट्री बूस्ट होने लगती है जैसे कि बाकी बहुत सारी इंडस्ट्री रहते फार्मिंग इंडस्ट्री रहता है तो वो कभी प्रॉब्लम है। और सबसे मेजर डिजाइन का लोग क्यों चूज करते हैं even when the recession, even in the difficult time of the company, they never fire the design or they never stop the design. क्योंकि design 3-4 years ahead चलता है, जो current product है उससे। आज के date में, if you ask me that question, कि आज क्या चल रहा है? I'm working on the 2025 project. तो 2025 का project आएगा, तब तक job secure रहता है। अब तक time है 2025 reach करेगा, मेरे यहाँ एक और प्रोजेक्ट आ जाता है जो 2030 तक जाएगा। तो हर कंपनी का एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रहते हैं, शॉर्ट टर्म थोड़ी चीज रहते हैं जो रहते ही रहते हैं। तो मतलब दैट जेनरेटिव कभी रिसेशन का इम्पैक्ट मिनिमल होता है, होगा ही नहीं ऐसा नहीं, बहुत ही डिजाइन में है। तो एक एडवांटेज रहता है डिजाइन में जाने का और क्योंकि क्या होता है में हम लोग बहुत ही कम इधर के महाराष्ट्र में बहुत कम लोग है तो मैं और एक दो बस तो पीपल्स जो कॉलेज से आए कि जैसे पूछोगे साइड में अच्छे कैसे आंध्र साइड में बहुत अच्छे तो उधर से बहुत बच्चा तो अगर अवेयरनेस नहीं दैट्स व्हाट we have very is crowd there crowd nahi to contact banana thoda mushkil jata hai but it's not difficult you can make the contact so ye hai aapka aur kuch questions hai to you can ask me mere paas to zyada nahi but I'm free kind question आपने करियर कैसे स्टार्ट किया था आपका डिप्लोमा कहाँ से वो बताइए ना थोड़ा स्टूडेंट्स को अरे कैसे डिप्लोमा कहाँ से हुआ है उसके बाद फिर करियर पहला जॉब कौन सा था और पहला सैलरी कितना था ओके ओके मेरा क्या होता है हाँ अभी क्या होता है मालूम है कि अभी के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको क्या लगता है हाँ ऐसा चाहिए तो मेरा करियर मैंने हाँ तो मैथ डिप्लोमा जिंतूर से हुआ वैभव सर और मैं दोनों क्लासमेट थे वंस अपॉन अ टाइम और उसके बाद मेरा इधर पुणे में आया तो करस्पॉन्डेंस डिग्री किया मैंने तो जॉब सर ओके हाँ हाँ सॉरी पूरा लिंक क्लोज हो गया था रिजाइंड सॉरी सर तो मेरा डिप्लोमा और वैभव सर का डिप्लोमा हम दोनों क्लासमेट थे
और उसके बाद मैं पुणे में आया। तो माय गोल वाज टू गो इनटू द एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऐसा था। उसके कॉलेज कॉलेज के लिए मैं पुणे में आया था। तो इधर एक कॉलेज है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो मेरा टारगेट था कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करूं बाद आफ्टर डिप्लोमा। बट सम हाउ मुझे रिलेटिव मिल गए यहाँ पे, तो दे आल वो ऑलरेडी डिजाइन फील्ड में काम करते थे। तो दे एक्सप्लेन मी कि कैसे करना है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्पेंडिंग मनी, तो उन्होंने मुझे करस्पॉन्डेंट इंजीनियरिंग करने के लिए कहा, सजेस्ट किया। और उसके बाद मुझे सीओईपी में मैंने कैड कैम का कोर्स किया, कॉलेज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पुणे का। तो वहाँ से कैड किया मैंने, और उसके बाद मेरा डिग्री हुआ। देन आई गो फॉर द एमबीए करस्पॉन्डेंट, तो वो भी मेरा करस्पॉन्डेंट एमबीए। तो टू गेट द, क्योंकि मेरा अभी मेरा टेक्निकल टच बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। बिफोर मैं यूएस के लिए जाने से पहले मेरा टेक्निकल बहुत ही कम था। जब मैं यूएस में गया तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करके मैकेनिकल साइड में, कोर मैकेनिकल डिजाइन में रिक्वेस्ट करके मूव हुआ था यूएस में। तो वहां से फिर मैं वापस आया था, इसलिए मैंने एमबीए किया था, बिकॉज आई वॉज इन द मैनेजमेंट लेवल के इसमें था, डिजाइन में ही मैनेजमेंट लेवल पे था। तो वापस टेक्निकल में करंटली मैं वापस अभी रिसेंटली आया हूँ, तो टेक्निकल में हूँ करंटली। बट वो ट्रिक मुझे भी पता नहीं कि नेक्स्ट क्या होगा। बट अगेन गोस बैक टू द मैनेज। और कुछ, और सैलरी जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत कम सैलरी मुझे, जब मैंने 2004 में किया था तो मुझे 3,000 सैलरी था उस टाइम पे। देन कम्स टू द 5,500, उसके बाद मेरा कुछ 10,000 मंथली बोल रहा हूँ। तो 2011 में ऑलमोस्ट मेरा 78 डिजाइन तो चल रहा है। तो रिसेंटली इंडिया में आया हूँ, तो अभी भी मेरा पैकेजेस का ये फ्रिक्शन है, देख। बट अच्छा सैलरी रहेगा, गारंटी है। कंपेयर टू आप अगर दूसरे डिपार्टमेंट में है, हाँ इनिशियली आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट मैं देखता हूँ कि हमारा कंपनी भी स्टार्टिंग में अभी आई थिंक 4.5 लाख देता है फ्रेशर्स के लिए। तो सैलरी तो ऑलवेज, बट मेरा करियर इधर डिजाइन में जाने वाले थे कि मैं थोड़ा इशू भी था, दूसरा तुम पता था, और ओके डिजाइन में, तो इसलिए मेरा वो चल गया। एक एक नमित नमित मिश्रा स्टूडेंट मोन है, स्टूडेंट है, वो पूछ रहा है कि सर आफ्टर आफ्टर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कैसे कैसे प्लान कर प्लान कर सकते सकता हैं हूँ मैं फॉर डिजाइन डिजाइन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन आफ्टर आफ्टर ओके। तो हाँ ग्रेजुएशन हो गया है या फाइनल ईयर में हो, फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर ग्रेजुएशन प्रोसेस ग्रेजुएशन है तो डोंट वेट टू ज्वाइन द कैड कैंप, क्योंकि कैड कैम के लिए डेली 1 या 2 घंटा देना पड़ेगा, राइट। तो आफ्टर ग्रेजुएशन, वंस यू ग्रेजुएशन, तो आपके हाथ में 2 डिग्री रहेगी। एक तो आपका इंजीनियरिंग का डिग्री रहेगा, प्लस आपके पास एक सर्टिफिकेशन रहेगा कैड कैम का। तो आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि उससे इतनी इम्पैक्ट आपके स्टडीज में होगा, जो आप जो बोलते हैं करिकुलर एक्टिविटीज में लगाते हो इधर उधर टाइम, उसकी जगह सिर्फ 1-2 घंटे छोटा सा इंस्टीट्यूट लेके एक कैड कैम कोर्स, कैड का कोर्स कर लो। क्रियो का, क्रियो का किया तो बहुत ईजी है। और क्रियो का करने के बाद एक आपके पास, आज सबके पास लैपटॉप है, एक मीडियम कॉन्फ़िगरेशन का, आई एम जस्ट अंडरलाइनिंग दैट कि उसके लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन आपको लैपटॉप नहीं चाहिए, एक मीडियम एवरेज कॉन्फ़िगरेशन वाला, अच्छा ग्राफिक्स ठीक ठाक वाला, तो एक लैपटॉप रहता है। तो लैपटॉप रहेगा, आप पायरेट सीडीज लो कहीं से,
और उसमें इंस्टॉल कर दो, और बाकी वाले सॉफ्टवेयर, या पहले उसमें परफेक्शन लेना है तो उसको इंस्टॉल करो, और बाकी सॉफ्टवेयर फिर आपको इंस्टॉल करते ही समझ में आएगा कि अरे ये तो सब कुछ सेम है। तो आई सजेस्ट कि डोंट वेट फॉर इट, जस्ट गो अहेड एंड जॉइन द इट। सॉलिड वर्क, सॉलिड वर्क इतना आसान सॉफ्टवेयर है कि डोंट स्पेंड मनी टू लर्न दैट सॉफ्टवेयर, कि मैं बोलूंगा सॉलिड वर्क बहुत ही आसान है। एक बोलते हैं जिसको सिर्फ थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल आता है उसको भी आ जाएगा, इतना वन ऑफ द इजिएस्ट सॉफ्टवेयर। तो आई सजेस्ट कि डोंट स्पेंड मनी टू लर्न द सॉलिड वर्क, क्योंकि फीस तो हर सॉफ्टवेयर का सेम है। अभी मुझे करंट मार्केट में पता नहीं, बट सॉफ्टवेयर का फीचर्स लर्निंग के लिए सेम है। क्रियो सीखो, कटिया सीखो या सॉलिड वर्क सीखो। तो जो मुश्किल है, कटिया जैसे एक वन ऑफ द डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसमें बहुत सारा सरफेसिंग का काम आता है। तो इफ अगर आपको पता है कि ये इंस्टीट्यूट में सरफेसिंग भी सिखाते हैं, तो गो अहेड इन दैट डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर। और जब भी आप कौन से भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो, तो आस्किंग दैट क्वेश्चन कि सरफेसिंग कैसे करना है, क्योंकि जस्ट सी व्हीकल देखो, कौन सा भी कार देखो छोटा मोटा, और उसको देख के सोचो कि ये मुझे बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको समझेगा कि मुझे क्या क्या सीखना है। अगर आपको विंडशील्ड बनाना है तो आपको सरफेसिंग लगेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं है ना, तो उसको कर्वेचर से, थ्री साइड कर्वेचर रहता है, टू साइड कर्वेचर रहता है। कार कोन देखोगे, बॉनेट देखोगे, तो उसको पूछो कि मुझे ये सीखना है कि हाउ टू मेक द बॉनेट, तो वो आपको सर्फेसिंग सिखाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसमें आपको मिलते हैं। तो सर्फेसिंग सीखना है, इंस्टीट्यूट वाले सर्फेसिंग इजीली नहीं सिखाते। वो क्या करते हैं, जस्ट जाते कॉपी पेस्ट सर्फेस वाला एक चीज सिखा देते, आपको पूछना पड़ेगा उसको कि मुझे ये भी सीखना है, वो भी सीखना। लेकिन मैं बोलता हूँ कि सॉलिड वर्क से अच्छा क्रिएटिव, क्योंकि उसके लिए वर्थ है पैसा आपका इन्वेस्ट करना, क्योंकि सॉलिड वर्क बहुत आसान है। आप घर पे एक 15 दिन में सीख जाओगे, अगर आपको दूसरा सब। एनीथिंग नेक्स्ट? एक लड़की है, उसका क्वेश्चन करना है, आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो कौन सा उसको इलेक्ट्रिकल डिजाइन में आना है? मुझे इतना पता है इलेक्ट्रिक का, बट अभी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो मेरे साथ इलेक्ट्रिकल डिजाइनर थे अभी करंटली, तो बोलू क्या उनको, उनके लिए भी क्रियो में वायर कर दे तो अच्छा है। ये मुझे पता नहीं क्लासेस में सिखाते हैं नहीं है, उसका क्लासेस मिलता है या नहीं, क्योंकि वो क्रियो का एक एडन मॉडल है, क्रियो का ही है, हर इसमें रहता है। व्हेन आई से द क्रियो, वो फंडामेंटल का नेक्स्ट मार्केट में जो क्रियो है, तो क्रियो में एक वायर हार्नेस डिजाइन रहता है, स्कीमेटिक डिजाइन एक रहता है, स्कीमेटिक जैसे अगर इलेक्ट्रिकल है तो उनको पता है कि लेआउट डालना सब पड़ता है पहले, तो वो सॉफ्टवेयर है कि स्कीमेटिक, तो उन लोग थोड़ा थोड़ा वो जैसे कि अभी हमारे जनसेट में रहता है कि फैंस लगते हैं, मुझे इतना नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक कनेक्शन रहता है, एसी डीसी कनेक्ट किसी जाएगा कि जनरेटर डीसी पावर कनेक्ट कर डीसी जनरेटर कि हमें, तो उससे तो वो आई क्वेश्चन मैं आपको फिर से, मेरे डिजाइन इंजीनियर है मैं फोन कर उसमें, तो मैं पूछ के आपको गारंटी बताऊंगा कि एग्जैक्टली उसने क्या किया था इंजीनियरिंग। वो मेरे साथ काम करता था, वो वायर हार्नेसिंग पे काम करता था, स्कीमेटिक डिजाइन पे, स्कीमेटिक क्रियो स्कीमेटिक बोलते। सॉलिड वर्क्स, व्हाट इज द बेस्ट फॉर माय फ्यूचर?
उन्होंने कटिया और सॉलिड वर्क सीखा है अभी अभी, और बोल रहे हैं कि क्या अच्छा रहेगा। ओके, और अभी 6 साल से किस फील्ड में थे? हाइड्रोलिक डिजाइन। बट हाइड्रोलिक डिजाइन में थे क्या? हाँ। तो आपके लिए रोबोटिक्स में रहेगा, यहाँ पे रोबोटिक्स में देख सकते हो, क्योंकि अभी मुझे इतना हाइड्रोलिक्स का नहीं पता, बट एरोस्पेस में जो हाइड्रोलिक्स का चलता है। और कहाँ पे औरंगाबाद में? नहीं, उन्होंने वैसे मेंशन नहीं किया है कि कहाँ से हुआ है एक्सपीरियंस कहाँ पे, लेकिन लेकिन जो भी लगा वो 6 साल से वहाँ पे सॉलिड एज का मुझे पता नहीं, बट क्रियो कटिया कटिया यूज कर सकते नहीं पता नहीं, जेसीबी क्रियो जेसीबी कर सकते हो, हुंडई भी है यहाँ पे पुणे में, वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, हुंडई तो यहाँ चाकन के सामने वहाँ पे। हाँ राइट राइट, वो ही मिस्ट्री वाला हुंडई है, वो 2008 में आया तो विंड वहाँ पे। हाँ, तो जो मेरा स्टूडेंट है डिप्लोमा का, वो पूछ रहा है कि सर यूनाइटेड यूएस में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज है। यूएस में जैसे देखा जाए तो यूएस क्या करता है, यूएस का एक मोनोपोली है कि वो क्या करता है, खुद के प्रोडक्ट ज्यादा यूज करता है, कि जैसे पीटीसी जो कंपनी है वो यूएस का ही है, और का देखोगे तो यूरोपियन कंट्री है, राइट, फ्रांस का। तो यूएस का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्रियो था, और मेजर भी क्रियो यूज करते हैं, वहाँ किसको करता है लाइक स्टैंडर्ड की, वो उनका जो भी उनके पास अवेलेबल है दे यूज देयर ओन। पीटीसी एक अच्छा बने, वो पीटीसी यूज करते हैं, इवन दो कैट डेटा मैनेजमेंट के लिए जो टूल्स है वो भी वो पीटीसी का इवेंट के लिए यूज करते हैं। और मैं मराठी मीडियम में पढ़ा हूँ, तो अगर सेकंड डिसएडवांटेज, और हमें टेक्निकल इंग्लिश बोलना आता है, लेकिन हमें क्या होता है कि कोई पूछेगा कुछ तो वी कैन नॉट आंसर दिस थिंग्स, कि इमोशंस नहीं आता है हमारा इंटरव्यू जब देते हैं, तो यू हैव टू शो द इमोशंस, राइट। तो हम स्टेडी होके इंटरव्यू देते थे, तो मुझे इंग्लिश का बहुत सारा प्रॉब्लम आया, तो मैंने ओवरकम टाइम बींग मैंने ओवरकम कर लिया थोड़ा थोड़ा करके। मैं बोलूंगा कि अगर आपको इंग्लिश करना है, मीन्स सी द डिफरेंस इज कम्युनिकेशन स्किल एंड इंग्लिश आर द टू डिफरेंट थिंग्स। आपको कोई बोलेगा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो तो वो इंग्लिश नहीं है, मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश इज फिट, तो आप इंग्लिश का इंग्लिश इज द डिफरेंट, जैसे मराठी बोलते हो हिंदी बोलते हो वैसा इंग्लिश है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना है आपको,